Assalamu alaikum. Today we will discuss about pyrexia. What is pyrexia? Pyrexia is the temperature in fever. It is usually caused by bacterial and viral infections. Pyrexia ko hum urdu mein bukhar kehte hain. Temperature in fever. Aur bacterial and viral infection ki wajah se pyrexia cause hota hai. Pyrexia kyun aur kaise cause hota hai? Ye pathogens ki wajah se. It is due to pathogens. When pathogens enter into the body, they hide themselves. वो अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि immune system उन्हें kill ना कर सके. Hide themselves and release chemicals. Chemicals release करते हैं जिनको हम कहते हैं pyrogens. ये chemicals हैं जो पैथोजेंस रिलीज करते हैं जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होते हैं. जब पैथोजेंस इंटर होते हैं, पैथोजेंस रिलीज होते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट चेंज कर देते हैं. व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. जैसे कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पायरोजेंस हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट डिस्टर्ब कर देते हैं और वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला देते हैं. इसकी वजह से पायरोजेंस पैथोजेंस और पायरोजेंस रिलीज करते हैं और उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है. व्हेन टेम्परेचर इज राइज्ड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड द पैथोजेंस इंक्रीज इन नंबर. व्हेन पैथोजेंस इंक्रीज इन नंबर आवर ल्यूकोसाइट्स एंड वाइबल सेल्स नोटिस दैट अ पैथोजन इज एंटर्ड हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी. एक पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर हुआ है वो ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स को ये खबर मिलती है. तो ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट बहुत कम होती है उनके साथ फाइट करने के लिए. तो वो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं और कहते हैं कि टेम्परेचर को और इंक्रीज करो. और वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स उनकी तादाद ज़्यादा होती है. जब उनकी तादाद ज़्यादा होती है तो उसके बाद ये लोग वाइट ब्लड सेल्स और पैथोजेंस की लड़ाई होती है. जब वाइट ब्लड सेल्स पैथोजेंस को ख़त्म कर देता है तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है. हाइपोथैलेमस को खबर मिल जाती है कि मेरा कि नॉर्मल बॉडी ऑफ टेम्परेचर इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड बनाया हुआ है. तो जब 39 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 38 तक आता है तो स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है, बुखार कम होने लगता है. और जब 38 से 37 आ जाए तो हमें खबर मिलती है कि हमारा बुखार ख़त्म हो चुका है और इन्फेक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर था वो भी ख़त्म हो चुका है. सिम्टम्स, अब हम इनके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे. सिम्टम्स ऑफ पायरेक्सिया. सिम्टम्स में जनरल स्वेटिंग होती है, चिल्स, बुखार और शिवरिंग. और जनरल वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, बंदा कुछ भी नहीं कर पाता. मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स इरिटेबिलिटी. मसल सही से काम नहीं करते. और दूसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट. जैसे कि जिसको भी बुखार हो उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पायरेक्सिया? नॉर्मली द ट्रीटमेंट ऑफ पायरेक्सिया इज विद ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स विच द डॉक्टर्स और फिजिशियन डिस्क्राइब्स द प्रिस्क्रिप्शन बाय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स और मेडिसिंस. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि जब टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स कॉज करते हैं हाइपोथैलेमस का, तो वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है कि वो पैथोजेंस के साथ लड़ाई कर सके.
नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी इन्फेक्शन हो, हमें कट लग जाए तो वो जगह सुर्ख होती है और गर्म होती है, आपने चेक भी किया होगा। ये इसकी वजह से होता है कि वाइट ब्लड सेल्स और पैथोजेंस के बीच में लड़ाई होती है। वाइट ब्लड सेल्स पैथोजेंस को किल कर रहे होते हैं और पैथोजेंस वाइट ब्लड सेल्स को किल कर रहे होते हैं। पायरेक्स या एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ट्रीट होता है और ड्रग्स और मेडिसिन की वजह से भी। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर, आई होप यू गॉट इट। अल्लाह हाफिज़।